नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारी खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारी खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे सेंटर गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल की खबर, बाबा राम रहीम की खबर, OBC रिजर्वेशन की खबर, समोसा का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर, राइट टू प्राइवेसी केस की खबर। कारोबार जगत की खबरों में हम लेंगे इन्फोसिस के नए चेयरमैन की खबर, 200 रुपये के नए नोट की खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन की खबर, उबेर कैब की खबर, GST की खबर। और मनोरंजन जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे कौन बनेगा करोड़पति KVC सीजन 9 की खबर, हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2017 की खबर। खेल कूद की खबर में हम लेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं सेंटर गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल की खबर। मोदी सरकार अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। हाल ही में JDU भी NDA में शामिल हुआ है, JDU से भी मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे। रेल विभाग भी किसी और को दिया जा सकता है। कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, इन विभागों के लिए भी नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है बाबा राम रहीम की खबर। गुरमीत राम रहीम सिंह धर्मनिरपेक्ष संगठन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ था। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इस समय चर्चा में हैं। बाबा राम रहीम जी पर एक साध्वी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 25 अगस्त को पंचकुला CBI कोर्ट साध्वी के आरोप पर फैसला सुनाएगा। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है OBC रिजर्वेशन की खबर। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने वेनसडे को कहा है कि सेंटर कैबिनेट ने OBC क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी है। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। अब 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले भी OBC क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है समोसा का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, इसकी खबर हम आपको बताते हैं। लंदन में सबसे बड़ा वजनी समोसा बनाया गया है। BBC न्यूज चैनल की खबर के अनुसार समोसे का वजन 153.1 kg है। इससे पहले 110.8 kg वजन वाले समोसे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, और अब 153.1 kg वजन वाले समोसे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है राइट टू प्राइवेसी केस की खबर। निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है या नहीं, इस बात की सुनवाई आज देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो करेगी। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यों की संवैधानिक पीठ कर रही है। 2 अगस्त को संवैधानिक पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस JS खेर जी कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी केस पर आज 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई। कारोबार जगत की खबरों में पहली खबर हम लेते हैं इन्फोसिस के नए चेयरमैन की खबर। इन्फोसिस से विशाल सिक्का के रिजाइन करते ही नए CEO की तलाश शुरू हो गई थी। खबर आ रही है कि नंदन नीलेकणी को CEO बनाया जा सकता है। इन्फोसिस कंपनी के डायरेक्टर्स ने नंदन नीलेकणी को नया CEO बनाने के बारे में अपनी राय दी है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है 200 रुपये के नए नोट की खबर। RBI 200 रुपये का नया नोट मार्केट में जल्द ही उतार सकता है। 200 रुपये का नया नोट सितंबर माह में बाजार में आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपये के नए नोट की सूचना जारी कर दी है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन की खबर। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की लिखी
किताबें मार्केट में आने वाली है। इन किताबों के नाम है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म और रेटोरिक एंड रिसोल्व। हम आपको ये बताएं कि यह बुक्स 4 सितंबर से मार्केट में बिक्री के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है उबेर कैब की खबर। उबेर इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए UPI इंटीग्रेशन सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। इसके लिए उबेर इंडिया ने NPCI के साथ और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। उबेर इंडिया जल्द ही उबेर ऐप पर UPI और भीम ऐप के फीचर को ऐड कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है GST की खबर। GST नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार जी ने कहा है कि 20 लाख व्यापारियों ने रिटर्न फाइल कर दी है। 25 अगस्त को रिटर्न भरने की लास्ट डेट है। 25 अगस्त तक 28 लाख व्यापारी रिटर्न और भर सकते हैं। 21 अगस्त तक 10 लाख व्यापारियों से टैक्स के रूप में 42,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई और मनोरंजन जगत की खबरों में पहली खबर हम लेते हैं कौन बनेगा करोड़पति KBC सीजन 9 की खबर। अमिताभ बच्चन का फेमस TV शो कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही TV पर आने वाला है। इस बार KBC का प्रसारण 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस बार KBC में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। शो के पहले एपिसोड में KBC के 17 सालों की यात्रा को दिखाया जाएगा। पहला बदलाव यह है फ़ोन ए फ्रेंड लाइफलाइन को बदलकर वीडियो कॉल ए फ्रेंड रखा गया है। दूसरा बदलाव यह है प्राइज मनी 1 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी गई है। तीसरा बदलाव यह है सेलिब्रिटीज शो में फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। चौथा बदलाव यह है इस बार KBC के एपिसोड कम शूट किए जाएंगे। इस बार KBC में 30-32 एपिसोड का ही प्रसारण हो पाएगा। और हम आपको ये बता दें KBC TV शो का जो प्रसारण सोनी TV पर रात 9 बजे से किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2017 की खबर। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर हैं मार्क वाहलबर्ग, इनकी कमाई $68 मिलियन है। दूसरे नंबर पर हैं ड्वेन जॉनसन, इनकी कमाई $65 मिलियन है। भारतीय सितारों की हम बात करें तो 8वें नंबर पर हैं शाहरुख खान, इनकी कमाई $38 मिलियन है। 9वें नंबर पर हैं सलमान खान, इनकी कमाई है $37 मिलियन। और 10वें नंबर पर हैं अक्षय कुमार, इनकी कमाई है $35.5 मिलियन। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेलकूद की खबर। खेलकूद की खबर में हम लेते हैं आज होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में। आज श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। यह वनडे मैच पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वनडे मैच दोपहर के 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यह वनडे मैच दिन और रात का है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।